इतने बड़े यज्ञ कर रहे थे, लेकिन जब श्री नारद जी बीच में आ गए, उन्होंने यज्ञ बंद करा दिया। बोले यज्ञ का फल साक्षात रूप में हमारे सामने आ गया है, इसलिए यज्ञ करने का कोई भी जरूरत नहीं। यज्ञ का के लिए जितने सामग्री इकट्ठे किए थे, श्री नारद जी की चरण की सेवा करने लग गए। अभी प्रश्न है, नारद आने पर इसे क्या चीज मिली गई, तब तो उन लोगों ने इतने बड़े यज्ञ को उन्होंने बंद करवा दिया। इतने बड़े यज्ञ को उन्होंने बंद करवा दिया, यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, यज्ञ का फल स्वयं साक्षात रूप में आ गए। इसका क्या रहस्य है? इसका क्या रहस्य है? कहते इसका रहस्य है, कहते जिस समय श्री चतुसर वो आए श्री पृथु महाराज के घर में, तो पृथु महाराज साधु संघ की महिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते तुलयाम लवन अपि न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम किमुता शिष्य। कि भगवान स्वयं कहते हैं साधु संघ की क्या महिमा है। कहते जीवन में अगर एक लव साधु का दर्शन मिल जाए, संग हो जाए, बोले एक लव किया कितने, बोले एक सेकंड को 11 भाग करो, 11 भाग का 1वां भाग को एक लव कहते हैं। अगर जीवन में केवल इतना समय गलत जीवन में साधु संग हो जाए, वो साधु संग से इतने महान वस्तु की प्राप्ति होती है, बोले जिसको साथ में न स्वर्ग न अपुनर्भव, जिसको साथ में जो स्वर्ग का सुख, कितना बड़ा स्वर्ग का सुख है, सारा दुनिया कहते स्वर्ग जाएंगे, रंभा उर्वशी मेनका वहां पर कल्प वृक्ष वहां पर है, और वहां पर अमृत को पान करो, सारे स्वर्ग का सुख, और उसको मोह जन तप कहते सत्य लोग हैं, कहते सत्य लोग तक जो सुख है, फिर उसको ऊपर में जो ब्रह्म लोक है, कहते यहाँ तक जो सुख है, कहते एक लव साधु संघ को सामने आप बराबर नहीं कर सकते हो, इतना बड़ा साधु संघ में सुख है। तब यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रम ठाकुर कहते हैं भैया साधु संघ से क्या मिलता है, जो कि साधु संघ की इतने महिमा बता दी, क्या मिलता है साधु संघ से, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बता दी। तब तो विश्वनाथ चक्रधर कहते हैं कहते कृष्ण भक्ति जन्म वो है साधु संघ, इसलिए भक्ति को श्री विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर एक लता की उन्होंने उदाहरण दिया, भक्ति एक लता है, लेकिन ये लता होएगी कब होएगी, बीज हो तभी तो लता होगा, बीज के बगैर लता कहाँ से हो सकती है, लेकिन वो बीज कहाँ से मिलती है, कहते बीज कहाँ से मिलती है, कहते ये बीज केवल मिलेगा शुद्ध वैष्णव का संग से, और कहीं ये बीज, ये कहीं ये बीज नहीं मिलती है, केवल साधु संग से ही ये बीज प्राप्ति होती है। बोले भैया साधु संग से ये बीज क्यों मिलता है, और कहीं से क्यों ये बीज नहीं मिलती है, केवल साधु संग से क्यों बीज मिलता है। तब श्री लजीव गोस्वामी इसके लिए उदाहरण देते हैं, कहते हैं ऐसे कुछ वृक्ष है, जिस वृक्ष का बीज को अगर आप डायरेक्ट वृक्ष से लेकर के बो तो वो बीज वृक्ष नहीं होगा। ऐसे कौन सा वृक्ष है, कहते सिर्फ बरगद वृक्ष और पीपल पीपल वृक्ष है, इसलिए आप कभी भी बरगद और पीपल वृक्ष को नीचे कहीं आप लोगों ने कभी भी आप उसका पेड़ नहीं देखोगे, कहाँ देखेगा पेड़, छत के ऊपर में, नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर में। बोले क्यों, उसका के नियम है जब उसको कोई पक्षी उस बीज को खाए, उसको पेट में वो बीज में जाए, ये पक्षी की पेट में ऐसे कुछ विशेष चीज होती है जो कि वो बीज में अंकुर देने का शक्ति प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, इसलिए जब वो पायखाना कर देता है, आप देखे होंगे छत के ऊपर में जब ये पीपल का पेड़ बरगद का पेड़ होता है, आप देखना वहां पर हो जाता है, और एक पेड़ होने के लिए 3 चीज की जरूरत है, एक मिट्टी की जरूरत है, एक पानी की और एक हवा की जरूरत है, 3 चीज होगा तब तो वृक्ष, नहीं तो वृक्ष नहीं होगा। अब देखना छत के ऊपर में जब पत्थर है, जहां पर केवल सीमेंट है, वहां पर बरगद का पेड़ पीपल का पेड़ हो जाता है, और कभी कभी देखे होंगे छात को पूरा फाड़ देता है, वृक्ष छात को फाड़ देती है, आप उसको
तोड़ दो देना फिर दोबारा आ जाएगा वहां। कहते वहां बगैर मिट्टी के वहां पर वृक्ष हो जाती है, बगैर मिट्टी के वहां पर वृक्ष अपने आप निकल जाती है, उसमें इतनी शक्ति होती है। कहते उसी तरह ये भक्ति लता की जो बीज है ना वो कहाँ से मिलता है, बोले साधु से मिलता है। इसलिए कहते ना जहा भागवत बड़ा वैष्णव स्थानी एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण, चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य कर संग तबे तो बुझे तुम्हें सिद्धांत तरंग। इसलिए कहते हैं भागवत का सुननी चाहिए वैष्णव के मुखारविंद से ही ये भागवत कथा सुननी चाहिए है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जब श्री भक्ति का जो बीज कहाँ से आती है, कहते शुद्ध भक्तों का हृदय से आती है, शुद्ध भक्तों का हृदय से ये बीज आती है, जब उनकी हृदय में भगवत कथा जाए। इसलिए बोले सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम, भागवत को बताया था ये अमृत है ही है, लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी की मुखारविंद से निकली कहते उसमें और भी ज्यादा मिठास आ गया है, मिठास आ गया। कारण यही है शुद्ध भक्त का हृदय से जब कथा निकलती है वो कथा में विशेष विशेष वो कथा में रस हुआ करता है। इसलिए यहाँ पर इसलिए जब श्री नारद जी आए, इतने बड़े यज्ञ हो रही थी लेकिन वो यज्ञ को उन्होंने बंद करवा दिया, बोले यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि यज्ञ का जो फल है ना वो साक्षात रूप में हमारी सामने आ गए, सामने ये यज्ञ का फल आ गए। इसलिए यहाँ पर कहते जो ये भागवत धर्म है कहते इसका कितने महिमा है, बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृतवा अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोह अपि। कहते ये भागवत धर्म बोले श्रुत अगर कोई कथा को सुने, बोले अनुपठित अगर ये कथा कोई पढ़े, अगर इतना भी नहीं हो सकता है बोले आदृतवा अनुमोदित, अगर कहीं भागवत कथा हो रही है अगर उसको किसी तरह से आदर कर दे बा अनुमोदन कर दे और भागवत कथा हो रही बहुत अच्छी बात है, ये कथा होनी चाहिए। कहते अगर इतना भी कोई बोल दे बोले सद्य पुनाति सद्धर्मम, कहते उसी समय में ही वो व्यक्ति संपूर्ण पवित्र हो जाता है। अगर वो व्यक्ति विश्वद्रोह भी ही अगर कभी विश्वद्रोह और कभी देवताओं को द्रोह अगर किया तो कहते अगर इतना केवल बोल देना कहते सारे पापों से वो मुक्त होकर के वो सीधा भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है, सीधा भगवत प्राप्त कर लेता है। इतने बड़ी महिमा कहती है भागवत धर्म की, इतने बड़ी महिमा है। इसलिए कहते इसके जैसे महिमा और किसकी है ही नहीं। इसलिए कहते एक समय कहते श्री ऋषभ देव के कहते सौ बेटे हैं, सौ बेटे में एक भरत भी है। पहले हमारे भारत का नाम था अजनवर्ष, लेकिन उनका जो सबसे जो बड़ा बेटा ये भरत है। कहते ये पृथ्वी को जो नौ भाग में विभक्त की, कहते ये भारत का हिस्सा ये भरत महाराज के तरफ में आया है। इसलिए पहले भारत का नाम था अजनवर्ष, लेकिन भारत ने जो राजत्व की उनका नाम से इसका हमारे देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष नाम पड़ गया है। कहते श्री ऋषभ देव के जो सौ बेटे थे वो सौ बेटे में उसमें तो जो नौ थे उसमें वो नव जोगेंद्र है, बहुत बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी बने, बहुत बड़े ये लोग ना भक्त बने। बोले नौ व्यक्ति कौन कौन है, बोले कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुध पिपलायन अभिहोत्र त्रुमिल चमश्च करभाजन। कहते जो नौ व्यक्ति हुए बड़े बड़े भक्त, बहुत बड़े बड़े भक्त हुए। कहते एक समय ये नौ हर समय अपना इच्छा से सर्वत्र जहाँ इच्छा करते थे सर्वत्र निरोध रूप में सर्वत्र भ्रमण करते थे। भ्रमण करते 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 एक दिन भगवत इच्छा से श्री आए कहाँ पर, श्री
नेमी महाराज के दरबार पर आए। जब नेमी महाराज के दरबार पर आए तो उसी समय में श्री नेमी महाराज उनके चरण की पूजा की। पूजा करके उन्होंने नौ को उन्होंने नौ प्रश्न किया था, नौ प्रश्न किया था। इसलिए जिस समय श्री नारद जी को वसुदेव महाराज ने प्रश्न किया, आत्मा को शांति कैसे मिले, आत्मा को शांति कैसे मिले, इसलिए जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने पर जीव को ये लगे जीवन में हमें सब वस्तु प्राप्त हो गई। जब उन्होंने ये बात को बताए तब श्री नारद जी कहते, जब श्री नेमी महाराज को दरबार में ये नव जोगेंद्र आए तब श्री नव जोगेंद्र को नेमी महाराज ने नौ उनको अलग 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 प्रश्न किया। इसलिए ये एकादश शब्दों क्या कहते हैं, मुक्ति। मतलब ये भव संसार से अगर कोई पार होना चाहते हैं कहते उसका उपाय किया है, कहते ये एकादश स्कंद में ये सारी चीज को एकादश स्कंद में वर्णन आया है। इनका जो पहला प्रश्न है, जीव को अत्यंत की क्षमा परम शांति कैसे प्राप्त हो। दूसरा जो प्रश्न है, वैष्णव धर्म स्वभाव आचार वाक्य वो लक्षण की क्या है। तीसरा है, जो भगवत विष्णु का जो बहिरंगा जो माया किसको बोलते हैं। चौथा प्रश्न है, ये माया से जीव कैसे मुक्त हो सकते हैं। पंचवा प्रश्न है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। छठवा प्रश्न है, ऐसे करते करते यदि ये नौ प्रश्न है, उन्होंने नौ और नौ प्रश्न किए और नौ व्यक्तियों ने अलग 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 उन लोगों ने उत्तर दिया है। इसलिए पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, भाई जगत में से कौन सा वस्तु है जिसको पाने पर जीव को ये लगे जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। तब श्री जब उन्होंने ये पहला प्रश्न की उसी समय में श्री नारद जी इसका आंसर देता है, देते हैं आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। कहते दुर्लभम मनुष्य जन्मम, याद है, देहिनाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। नारद जी कहते हैं दुर्लभम मनुष्य जन्मम, कहते ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है, जिसको कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यापि अधिरः तृणम जतेत न पतेत अनुमृत जावत निःश्रेय भगवत अन्यथा कल्पति गच्छति। इसलिए कहते हैं ये जो मानव शरीर है केवल दुर्लभ नहीं, कहते मानव शरीर सुदुर्लभ है। इसलिए जिसको गोस्वामी जी कहते हैं देत इस बिनु हेतु सनेही, देत इस बिनु हेतु सनेही, इसका मतलब है अगर कोई सोचे हमने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कर्म किया था ना तभी तो भगवान हमें मानव शरीर दिया। भगवान कह रहे हैं कोई पुण्य कर्म से तेरे को मानव शरीर नहीं मिला, वो कहते देत इस बिनु हेतु सनेही, इस ने मतलब भगवान ने कैसे तुमको स्नेह करके मानव शरीर दे दिया। एक ग्लास पानी लो, एक ग्लास पानी में इतने बैक्टीरिया रहते हैं, इतने बैक्टीरिया पृथ्वी में इतने निशान तक भी नहीं। इसलिए कहते ना उसमें जिसको चैतन्य महापुरुष को सीखा में कहते ना क्या पहला श्लोक है, पार्थिव ही रिह जंतव, क्या पहला श्लोक है, रजब ही समसंख्या था पार्थिव ही रिह जंतव। जैसे धूल कण को जैसे नहीं गिर सकते, बारिश को बूंद को जैसे नहीं गिर सकते, जीव को वैसे गिर नहीं सकते। अगर उसी हिसाब से अगर मानव शरीर कितना, देखो भारत में कितना मानव शरीर, ये शरीर अगर सड़ जाए ना इतने कीड़े पड़ जाते हैं, इतने जगत में इतने जीव भी नहीं होंगे। इसलिए कहते भगवान किसी तरह से हमें किसी तरह से कृपा करके हमें ये मानव शरीर दे दिया। इसलिए कहते लब्धा सुदुर्लभमिदं, दुर्लभ नहीं ये मानव शरीर सुदुर्लभ है। इसलिए कि देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर उन्हीं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन ये दुर्लभ तो है, दुर्लभ साज है, दुर्लभ आसानी से मिल गया, लेकिन पता नहीं
कमल दल जल जीवल टलमल भजम हरि पद नीति रे। जैसे कमल का पत्ते के ऊपर में पानी रखने पर जैसे वो टलमल करता है, जगमगाता है, किसी समय में वो गिर सकता है, ये मानव शरीर भी ठीक वैसे है। इसलिए क्या करनी चाहिए, तृणम मतलब जितने जल्दी हो सके भगवान की भजन में हमें लग जानी चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, कहते अरे अभी से क्या भजन करेंगे, आज कर सो कल 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 कर सो परसो, इतना जल्दी क्या करते पड़ा रहा है बरसो, इतने जल्दी भगवान की भजन करने का क्या जरूरत है, अरे कर ही लेंगे कर ही लेंगे। इसलिए कहते नहीं, जितने जल्दी हो, कहते विषय खलो सर्वत्र से आप, हम संसार में जिस काम में लगे हुए, कौन सा काम में लगे हुए, चार काम में लगे हुए, दिन में दो काम और रात में दो काम। दिन में दो काम किया, कहते पैसा कमाओ और उसको तरह परिवार को मेंटेनेंस करो, और रात को विश्राम करना और बच्चे जन्म देना, विषय भोग करना, कहते ये चार काम करते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे भैया ऐसे कौन सा जीवन गया नहीं तुम जो ये काम नहीं किया, सारा जीवन तो यही करते करते। कहते ये चीज तो तुम्हारे लिए रिजर्व है, किसी जीवन में भी जाओगे तुमको ये चीज मिलती रहेगी है। लेकिन जो भगवान की जो भक्ति है ये चीज सहज में नहीं होता है। इसलिए जितना जल्दी हो क्या करनी चाहिए, भगवान की भजन में लग जानी चाहिए। इसलिए कहते हैं हे नारद हे वसुदेव महाराज, दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ है, कहते उससे जब भी ज्यादा दुर्लभ किया है, बोले तथा भी दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उससे जो ज्यादा दुर्लभ है किसी भक्तों का दर्शन मिलना, कहते ये सबसे बड़ा दुर्लभ है। भगवत दर्शन से भी कहते भक्त दर्शन दुर्लभ है। क्यों, भगवान हमें कोई बात बताएंगे नहीं, तो ये गलती कर रहे हो, इधर क्यों जा रहे हो, ये करो, ये ऐसे करनी चाहिए, हमें क्यों, कौन बताता है, ये भगवान नहीं बताते हमें, ये अब बात कौन बताता है, ये साधु बताते हैं। इसलिए बताए साधवा दिन वत्सल, कहते भगवान से भी दयालु कौन है, कहते ये साधु। इसलिए कहते साधु संग सर्वशास्त्र कहे और लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। इसलिए हर शास्त्र में कहते हैं साधु संग करनी चाहिए। इसलिए महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहाय कर। जब तक महत पुरुष का कृपा नहीं हो तो किसी तरह से हैं भगवत भक्ति में हम किसी तरह से बढ़ी नहीं सकते। इसलिए और क्या होता है, क्या बोलते फिर हम कल सुनेंगे उसका, उन्होंने क्या उत्तर देते हैं, ठीक है।